विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर शिक्षा के प्रति कैदियों को जागरूक करने के लिए जयपुर जेल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर साहिल त्रिवेदी मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रही। इस दौरान त्रिवेदी ने महिला बंदियों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए साक्षर होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब एक स्कूल खुलता है तो उसके अच्छे प्रभाव से 10 जेल बंद होने जैसे हालात बनते हैं। इसी से साक्षरता के महत्व को जाना जा सकता है। आज के दौर में पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा अपने परिवार को भी साक्षर बनाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि पढ़ लिख कर ही हम अपने आप और अपने परिवार को मजबूत बनाने के साथ बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर साहिल ने कहा कि महिलाओं के पास असीम शक्ति होती है, वह जो चाहे कर सकती हैं। इसलिए आज के दौर में महिलाओं को साक्षर होने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि शिक्षित महिला दो परिवार को सामर्थ्यवान बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित कर सकती है। इस दौरान जेल अधीक्षक शिवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि हर इंसान पूरी दुनिया के लिए बुरा नहीं होता। हमारे देश में सभी को पढ़ लिख कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का अधिकार है। अगर जेल में बंद कैदी भी यह सोच ले तो आने वाले दिनों में न सिर्फ हर व्यक्ति साक्षर होगा, बल्कि हम क्राइम को कंट्रोल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।